हेलो फ्रेंड्स सी ए कोर्स के बारे में हम सब पैशनेट हैं मुझे तो इस कोर्स ने सब कुछ दिया है फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडल क्लास बैकग्राउंड टू वट आई हैव बिकम टूडे उसमें इस डिग्री का बहुत बड़ा रोल है एंड मैं इस कोर्स के बारे में बहुत पैशनेट भी हूँ यूट्यूब में इस चैनल पर बहुत कंटेंट क्रिएट करता हूँ सेंटर्ड अराउंड सी ए कोर्स ऑफकोर्स द प्रोज एंड कॉन्स बोथ आज के वीडियो पर हम समझना चाहते हैं कि सी ए कोर्स के अराउंड इतनी नेगेटिविटी क्यों फैल गई है सीए कोर्स में सेवेंटी फाइव परसेंट स्टूडेंट है, है, है. चाहे कोई लॉयर आके बोले कि पी आई एल फाइल करता हूँ आपके खिलाफ हम उसके पीछे लग जाते हैं कोई आके बोलता है चलिए कैंडल लाइट मार्च करते हैं हाँ उसके पीछे लग जाते हैं बिकॉज हमारे दिमाग में यह सेट हो गया है कि सी ए इंस्टीट्यूट एक इनएफिशियट ऑर्गेनाइजेशन है जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है कोर्स डिस्ट्रॉशंस है सिस्टम में इन्वर्टेड स्ट्रक्चर इजी एंट्री टफ एग्जिट जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एंटर कर गए सब कुछ उन्होंने अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट किया सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट की एग्जाम्स पास नहीं हो पा रहे तो डेफ़िनेटली बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना आप एक करियर में कुछ हो नहीं पा रहा है तो अब उनको लगता है कि वो क्यों पास नहीं हो पा रहे बिकॉज पेपर्स ठीक से चेक नहीं हो रहे और ये फ्यूअल कौन कर रहे फीलिंग हमारे कोचिंग फैक्ट्री ओनर्स जो खुद तो करोड़ों रुपया कमा के बैठ चुके हैं पच्चीस हजार तीस हज़ार रुपये एक एक बच्चे से लेते हैं उनको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं चाहे पेनड्राइव बेच के लाइव क्लासेस बेच के ऑनलाइन क्लासेस बेच के जिम्मेदारी क्या है कुछ भी नहीं स्टडी मटेरियल कौन बनाएगा आईसीआई वो डिफेक्टिव है पेपर कौन सेट करेगा आईसीआई वो गलत सेट करता है चेक कौन करेगा आईसीआई वो बेकार चेक। उसको चेक करता है प्लेसमेंट्स कौन दिलाएगा आईसीआई सी आई वहाँ पर सबको प्लेसमेंट्स नहीं मिलता प्रॉब्बली इतना करोड़ रुपया कमाने के बाद कोचिंग फैक्ट्री ओनर्स अपना खुद का भी प्लेसमेंट खोल सकते हैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या ई जैसे अपनी खुद की डिग्रीज दे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बट वो नहीं करेंगे ऐसा वो आपको हीरो बनने के चक्कर में एक विलन बनाते हैं जो बन जाते हैं आई एंड शायद ये नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे ज़्यादा है इसके वजह से हमारी ब्रांडिंग बहुत खराब हो रही है रियल लाइफ में मैं स्टूडेंट से मिलता हूं दे फार मोर रिस्पेक्टफुल ऑन सोशल मीडिया देर लाइक दे इ ब्लास्ट यू आर पार्ट ब्रांडिंग खराब हो रही है बी स्कूल्स में भी प्रॉब्लम्स होती है बट कभी आपने बी स्कूल्स में देखा है लोग कोर्ट केस कर रहे हैं कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं नहीं बिकॉज उनको पता है कि ऐसे करने से जो ब्रांच पे वो बैठे हैं वो ब्रांच ही कट जाएगी जिससे सबका नुकसान होगा तो फ्रेंड्स हमें इंस्टीट्यूट में रिफॉर्म्स चाहिए बट रिफॉर्म्स करने की वजह से अगर हम एकदम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे जे जैसे हो जाएंगे तो कल आके फिर अखिल भारतीय विद्या परिषद या एस विद्यार्थी परिषद या एस यू सी आई बोलेगा चलिए यूनियन बना लीजिए हम आपको आपके हक के लिए दिलाएंगे फाइट करवाने के लिए एंड रही बात क्लैरिफिकेशन की कि मैंने एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिक्लेयर किया है एक लेडी का ट्विटर पे मेरा लाजा पॉइंट था कि कोई पर्सन अगर करोड़ों रुपए के एक फ्लैट में रहता है हीरा नंदानी में उसके पास इतना पार है कि वो एक पी फाइल करता है अर्जेंट हियरिंग करवाता है सुप्रीम कोर्ट में क्या उसका एनुअल इनकम सिर्फ ढाई लाख रुपए हो सकता है इज इट नॉट अ केस ऑफ सम इंफॉर्मेशन पी आई एल के का पार्ट है ओपनली अवेलेबल है कोर्ट की वेबसाइट्स पे जनरल वेबसाइट्स लाइक टैक्स कैन पे तो आप मुझे उसके लिए प्लीज ब्लेम मत करिएगा प्लीज थिंक लाइक नॉट लाइक अ जेहादी बट थिंक लाइक एन इंटेलिजेंट गाय कि आप क्या कर रहे हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ कल सी ये डे है फर्स्ट जुलाई जिसमें हम सब सेलिब्रेट करते हैं अपने ग्रेट प्रोफेशन को हमें रिफॉर्म्स चाहिए बट प्लीज़ नेगेटिविटी उस हिसाब से जो सोशल मीडिया में फैल रही है कोई मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है और आप सोचिए कोचिंग फैक्ट्री वाले जिसको पढ़ाते भी नहीं है लास्ट वीक आपने एक इंटरव्यू देखा होगा शैली का बिना पढ़ाए इंटरव्यू करके क्लेम करते कि हमने पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि कहाँ डिस्टॉर्शन हो रहा है कहाँ से ये आग लग रही है आप शायद मिस इन्फॉर्म भी हो रहे हों कई बार इससे अच्छा भी होगा सो फॉर एग्जांपल अभी एग्जाम्स में जो बेटरमेंट हो रहा है तो फ्रेंड्स यही मेरा इस वीडियो का माध्यम था आप मुझे बहुत सारी गालियाँ दीजिए कमेंट्स में मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा बट आप प्लीज़ सोचिएगा इस बारे में थैंक यू